तो न्यूजीलैंड और भारत के बीच में 3 T20 मैच और 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले जाने हैं और इसकी शुरुआत 18 तारीख को हो रही है, यानी कि 18, 20 और 22 को 3 T20 मैच है, जबकि 25, 27 और 30 नवंबर को 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले जाएंगे। और इन दोनों सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने अपनी टीम का अनाउंसमेंट कर दिया है। 13 खिलाड़ियों को उन्होंने पिक किया जो कि T20 एज वेल एज ODI खेलते हुए टीम इंडिया के खिलाफ नजर आएगी। काफी सॉलिड टीम है, लेकिन एक बड़े प्लेयर को उन्होंने बाहर कर दिया। सबसे पहले मैं आपको टीम बता देता हूं, केन विलियमसन टीम की कप्तानी करेंगे और इसके अलावा फिन एलन है इस टीम में, ब्रेसवेल है, डेविन कॉनवे, लॉकी फर्गसन, इसके अलावा डेरिल मिचेल, एडम मिलने, तेज गेंदबाज जिमी नीशम, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सेंटनर, ईश सोरी, टीम साउदी एंड टिकना को टीम में शामिल किया गया। यानी कि इस टीम की अगर हम बात करें तो एक बाएं हाथ का जो तेज गेंदबाज, जो सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज है, यानी कि ट्रेंट बोल्ट, वो न्यूजीलैंड की टीम में शामिल नहीं है। बाकी टीम वही नजर आ रही है जो कि वर्ल्ड कप में खेली थी और काफी कॉम्पैक्ट टीम नजर आ रही, काफी सॉलिड टीम नजर आ रही है। और आपको बता दें कि यही जो 13 प्लेयर है जिनका मैंने अभी नाम लिया, ये T20 मैच भी खेलेंगे और यही एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेलेंगे। आखिरी जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच है जो कि खेला जाएगा 30 नवंबर को, वहां पर जिमी नीशम अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि वो अपनी शादी की तैयारी में लगेंगे और उनकी जगह पर कहा जा रहा है कि यू नो एक किसी और को टीम में शामिल किया जाएगा। लेकिन बाकी जो प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल आपको T20 एंड ODI में भारतीय टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। ट्रेंट बोल्ट को टीम में शामिल नहीं किया गया है, रीजन साफ है कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से मना कर चुके हैं ट्रेंट बोल्ट, और इसीलिए न्यूजीलैंड बोर्ड का मानना है कि उन प्लेयर्स को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है या डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट में है, और यू नो ग्लोबल इवेंट को देखते हुए आने वाले समय में वो चाहते हैं कि जो प्लेयर ऑलरेडी न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है उनको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर मिले। इसीलिए ट्रेंट बोल्ट को इस टीम में शामिल नहीं किया गया और ये पहले से एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि ट्रेंट बोल्ट ने खुद ही मना किया था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से और वो दुनिया के तमाम लीग में खेलना चाहते हैं। मैं फिर से एक बार आपको टीम बता दूं जो न्यूजीलैंड ने अनाउंस किया, उसमें केन विलियमसन टीम के कप्तान होंगे, फिन एलन है, ब्रेसवेल, डेविन कॉनवे, लॉकी फर्गसन, इसके अलावा डेरिल मिचेल, एडम मिलने, जिमी नीशम, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सेंटना, ईश सोडी, टीम साउदी एंड टेक्ना। तो ये न्यूजीलैंड की 13 सदस्यीय टीम है। उम्मीद करते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में तगड़ा मैच देखने को मिले और ये सेम जो टीम है वो आपको ODI में भी खेलती हुई नजर आएगी जो कि T20 में खेलेगी। तो लगे रहिए, आप बने रहिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ में और इसी तरीके से आपके लिए अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो है हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।